नागरिक संशोधन बिल के विरोध में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं। संबल शहर के निजी पैलेस में इकट्ठा होकर निकाला विरोध जुलूस। करीब 4000 की संख्या में सड़कों पर दिखी महिलाएं। अलग अलग जगह निकाला जुलूस। डीएम और एसपी से मिलकर बेगुनाह लोगों को न फंसाने की महिलाओं ने उठाई मांग। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद मानी महिलाएं। महिलाओं ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा की दृष्टि से संबल में भारी तादाद में पुलिस बल रहा तैनात। हमने जो प्रोटेस्ट किया है, ये सिर्फ हमारी लड़ाई ना तो पुलिस से है, ना हमारी कोई हिंदू मुस्लिम है। ये हमने जो प्रोटेस्ट किया है, ये एनआरसी के खिलाफ किया है। या तो हमें एनआरसी में दाखिल किया जाए, या फिर इसको एनआरसी को हटाया जाए। ये सिर्फ इसलिए प्रोटेस्ट हुआ है, और हमने पीसफुली किया है। हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हमें पीसफुली करना है सब कुछ। जो कुछ भी करना है, हमें अपनी बात प्रशासन तक पहुंचानी है। तो बच्चों को मतलब किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उस पर जो मोटी धाराएं लगी हुई हैं, सर ने उस पर बात करने के लिए टाइम लिया है कि वो उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उस पर बात करेंगे। सर ने ये चीज़ बोली है। और दूसरी चीज़, जुमरा तक है, उन्हें मुआवजा, हाँ, उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। किस तरह की गोली चलाई, किन लोगों ने चलाई थी, कुछ वीडियो बता रहे ना, वीडियो वायरल हुई है। ये कुछ नहीं पता, कुछ नाम नहीं पता, लेकिन सर थोड़ा उस पर सोच, उस पर काम कर रहे हैं, उस पर वो थोड़ा उसको डीपली उस चीज को ले रहे हैं। वो ऐसा कुछ इस तरह की बात है। देखिए, ये संभल में आज कुछ अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को जो उन लोगों ने मेमोरेंडम देने के लिए कुछ मोहल्लों से निकल करके आई थी, उन लोगों से वार्ता की गई है। और कुछ महिलाएं हसन पैलेस में एक जगह इकट्ठा हुई हैं, तो वहां पर भी हम लोगों ने अपने अधिकारियों को भेजा है कि वहीं पर जाकर उनका मेमोरेंडम ले लें। इनका जो मेमोरेंडम है वो नागरिकता बिल के संबंध में इन्होंने दिया है, और शांतिपूर्वक इन लोगों ने अभी तक का प्रोसेसन किया है, और इनके सभी जिम्मेदार लोगों से वार्ता कर ली गई है। जो शहर इमाम हैं, मुतवल्ली हैं, मौलवी हैं, इन लोगों से भी वार्ता की गई है। जो सियासी जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों से भी वार्ता की गई है। तो ये मेमोरेंडम इन लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से देने का एक फैसला किया है, और वो एक जगह इकट्ठा होकर के अभी वो मेमोरेंडम। जैसा कि सर, ये जो कुछ महिला प्रतिनिधि आपसे आगे वार्ता की है, उन्होंने अपनी बात रखी है, उनका कहना है, तो उन्होंने क्या वार्ता रखी है आपके साथ? यही वार्ता का मतलब है कि ये इन लोगों का नागरिकता बिल के संबंध में एक मेमोरेंडम ज्ञापन ये लोग अपना देना चाह रही है। उसको हम लोगों ने चूंकि शांतिपूर्वक इन लोगों ने दिया, तो उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है।